हलचल, मैं अंकिता चोपड़ा। नंगलशरी आनंदपुर साहिब मुख्य मार्ग NH 503 पर बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जांच के आदेश उपायुक्त रूपनगर ने जारी कर दिए हैं। लोगों से भी अपील की है कि जब तक इस मामले की जांच पूरी ना हो जाए तब तक कोई भी व्यक्ति इसमें निवेश ना करे। देखें सिटी हलचल की यह रिपोर्ट। नंगल श्री आनंदपुर साहिब मुख्य मार्ग पर NH 503 पर गांव पट्टी के निकट बन रहा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एकाएक चर्चा में आ गया है और आरोप लगा है कि उक्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निगमों को ताक पर रखकर बनाया जा रहा था, जिसकी शिकायत उपायुक्त रूपनगर के पास पहुंची और उपायुक्त रूपनगर सोनाली गिरी ने तुरंत हरकत में आते हुए निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जांच एक्सियन पुड्डा व एक्सियन केंद्रीय डिवीजन लोक निर्माण विभाग को देते हुए एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए हैं। उधर उक्त दुकानों के मालिक मनोज शर्मा ने कहा कि कुछ लोग उसे बेवजह परेशान करने में लगे हुए हैं, जबकि वह खुद उक्त भूमि का मालिक है और रजिस्ट्री उनके नाम पर है। मनोज ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की दिशा निर्देशों के तहत सड़क से 50 फीट जगह छोड़ी गई है और दुकानों के पीछे की ओर भी नहरी विभाग की दिशा निर्देशों के तहत 60 फीट जगह छोड़ने के उपरांत ही दुकानें बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से उन्हें फिलहाल कोई नोटिस नहीं मिला और अगर उन्हें कोई नोटिस मिला तो जरूर वे जांच में सहयोग देंगे। सुने सिटी हलचल से बात करते हुए मनोज कुमार शर्मा ने क्या कहा। मसला कोई नहीं, बस बिना गल की परेशानी की सानू, रजिस्ट्रियां साडे कोल है, मालकी असी है, जमीन की जिनी गाइडलाइन है अपना BDOD की केस 50 फुट छड़ के वो छड़ी भी है, पिछले नहरी विभाग का 60 फुट छड़ के वो छड़ के आए, मतलब कि बिना गल तो परेशानी हुई है। इस सू स्पैशल सिर्फ सामने ही हो रही, उन्होंने खासकर उत्थे 9 बंदे दुकान हो गई, उन्होंने चो कुछ बंद मतलब कि रिलैक्स भी दिता जा रहा भी उन्हें मुझे अपना पटाई करने पढ़ाई करती, बट साड़ी जी दुकान उन्होंने मुझे पटाई करती स्पैशल खासकर। असं कार्रवाई कराने तैयार है जी, साड़ी गलती दसें क्या है, रोड तो गब्बे तो 50 फुट छड़ दे, छड़ी भी है जी, ठीक है जी, और साड़ी मालकी जमीन है, कोई कब्जा नहीं उत्थे, प्रशासन सानू नोटिस कराया, असं आवेंगे, असं अपने डॉक्यूमेंट रखेंगे, सानू कोई नोटिस तो आए नहीं, कोई गल कर रही नहीं करा, बस ये खबर ही सुन चल रही, बस भी आ हो गया हो गया। एक बार जेई आया सी शायद, मैंने पता नहीं, वो कहें जेई है हूँ, मैंने डेरी ने कहा उन्हें अपना फीता मारे नहीं, ठीक है जी, नहरी भुआ का 60 फुट है और पिछले सलफ तो वो 60 फुट पूरा छड़ के है जी, साड़ी जमीन तो जी बचती गई वो बचती हैगी 44 फुट परले पासे नू, पर जी कवर्ड है वो 30 फुट है, हूँ सानू नहीं पता उस टाइम जमीन कि नहरी विभाग में चल गई भी या रोड चल गई, अभी वो मानते नहीं उसमें, ठीक है, अभी तो पहले 14 फुट नुकसान खा के बैठे उसे, जे कल कोई कार्रवाई होंगी सी अपनी 14 फुट क्लेम करूंगे, वो तो फिर करूंगे जी नैचुरली, अभी अपना अक रखा भी साढ़िया जो अक्स के हिसाब से साढ़े 8 करमा है 44 फुट बन रहा अपना नहर के उतो अगे जी सा पोजैशन है वो 30 फुट दी है उत्थे। उधर उपायुक्त रूपनगर सोनाली गिरी ने सिटी हलचल से बात करते हुए कहा कि जे शॉपिंग कम्प्लेक्स निगमों को कथित तौर पर नज़रअंदाज करते हुए नेशनल हाईवे से मात्र 50 फीट की दूरी पर बनाया जा रहा था, जबकि इसकी दूरी 100 फीट होनी चाहिए थी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह उक्त शॉपिंग कम्प्लेक्स पर तब तक निवेश ना करें जब तक उक्त भूमि के असली मालिकों का पता लगाकर जांच पूरी नहीं कर ली जाती। DC रूपनगर ने कहा कि अगर जांच में उक्त निर्माण पुड्डा या NHAI के निगमों को ताक पर रखकर किया गया पाया गया तो तुरंत इसे गिरा दिया जाएगा और अगर इस मामले में किसी भी अधिकारी की कोताही पाई गई तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुने सिटी हलचल से बात करते हुए उपायुक्त रूपनगर सोनाली गिरी ने क्या कहा। मैडम, एक आनंदपुर साहिब नंगल मार्ग पर एक दुकानें बन रही थी, उसके बारे में आपने नोटिस निकाला जांच के लिए, क्या पूरा मामला मैडम? इस दे विच NH दे नाल लगदे रकबे दे विच कुछ दुकानां दी उसारी हो रखी हैगी, जो रूल दे अनुसार प्राइमरी लेवल ते कुछ इलीगल प्रतीत हो रहा हैगा, इस करके एक्सिन NH नू सेंट्रल वर्क्स डिवीजन नू भी लिखा गया हैगा, जिस दे विच उन्होंने नोटिस वगैरह भी कढ़िया हैगा पार्टी नू, ते नाल ही हुण गमाडा नू भी अप्राइज किया गया हैगा, क्योंकि गमाडा दे जिहड़े रूल्स हैंगे NH नू लेके उसकी भी वायलेशन इस दे विच लग रही हैगी, ते करके इसकी पूरी जांच की जा रही हैगी, ते आगे अगर जेकर कानूनी कार्रवाई भी होएगी तो भी की जानी है। फ्यूचर एक्सपेंशन नू लेके जेकर नोटिफाइड हुंदा हैगा तो 100 फिट दा छड़ना पैंदा हैगा, लेकिन फिर भी जेकर इन्होंने कोई अलग से परमिशन वगैरह नहीं लीती हैगी तो ऑब्वियसली ए पूरी ही तरीके तो वायलेट है। साडी उन्होंने गल होई सी मैडम, कहंदे कि साडे कोल रजिस्ट्री आ, साडी अपनी मलकीयत है, नो कंस्ट्रक्शन जोन हुंदी है कि चाहे मलकीयत प्राइवेट भी होवे भावे तो भी नो कंस्ट्रक्शन जोन जेड़ी हैगी प्राइवेट रकबे दे भी लागू हुंदा हैगा। सिटी हलचल के लिए अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट।
अब आपके अपने शहर नंगल की एमपी कोठी मार्केट में रॉयल स्वीट्स पर बेकरी की दुकान खुल गई है। यहाँ आपको मिलेंगे अपनी डायरी के शुद्ध दूध से बनी मिठाई, दही, पनीर व दूध। इसके अलावा पेस्ट्री और आपकी पसंद के अनुसार स्वादिष्ट व उत्तम क्वालिटी के वैष्णो केक भी। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे, क्योंकि एक बार आओगे तो बार बार आओगे। हमारे फोन नंबर है 9874-9819-7090-39655। एमपीरी कोठी मेन बाजार विच रॉयल स्वीट्स बेकरी नाम की दुकान खोली है। साढ़े को अपने डेयरी का दुध ओरिजिनल समान साढ़े को मिलेगा। असी सारा केक जो भी है अपने इतें ही बनाते हैं, तो बाहरों कोई भी समान लेके नहीं आते हैं। जो भी साड़ी मिठाई है बिल्कुल साड़ी डेयरी के दुध ही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बापू गंगादास जी टीवीएस शोरूम कीरतपुर साहिब। यहां से टीवीएस की कोई भी गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे 3 आकर्षक उपहार। नकद गाड़ी खरीदने पर 2500 रुपए की छूट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 4100 का भुगतान कर कोई भी गाड़ी ले जाएं अपने घर, 5 साल की इंश्योरेंस, 5 साल की वारंटी व 2 साल तक निःशुल्क सर्विस की सुविधा के साथ और भी कई लाभ पाएं। यह मौका हाथ से न जाने दें और पहुंचे टीवीएस गाड़ी खरीदने के लिए टीवीएस शोरूम बापू गंगादास जी कीरतपुर साहिब। खुश खबरें। सोनी सुजुकी रेलवे रोड नंगल पधारे और 5151 रुपए देकर सुजुकी की कोई भी गाड़ी अपने घर ले जाएं, और इसमें आरसी व इंश्योरेंस का खर्च भी शामिल है। पेटीएम से भुगतान करने पर कैशबैक, कोई भी गाड़ी खरीदने पर निश्चित उपहार, एक्सचेंज बोनस भी पाएं 1000 रुपए तक का, सीएसडी सुविधा भी उपलब्ध। गाड़ी खरीदने पर ऑनलाइन लकी ड्रा में मारुति स्विफ्ट 22 कैरेट सोने के सिक्के सहित और भी बहुत कुछ जीतने का मौका। तो जल्दी करें, कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। तो आज ही पहुंचे सोनी सुजुकी रेलवे रोड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97801-20462, 97802-6602, 97802-58962। खुश खबरें। वसीम गारमेंट मेन मार्केट वाली दुकान बदलकर अब नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग पर खुल गई है। यहां आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर लेडीज बच्चांस के एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइनों के ब्रांडेड कपड़े, वह भी होलसेल रेट पर। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दे, क्योंकि एक बार आओगे तो बार बार आओगे, यह दावा है वसीम गारमेंट्स का। वसीम गारमेंट 82 हिलव्यू एनक्लेव भाखड़ा रोड। संपर्क करें फोन नंबर 94-36-94-376-85-560-88-974। सारे नगर निवासी अरदास बेनती करते हैं कि सानू एक बारी सेवा का मौका दिओ, और बाजार नालों सस्ते दाम पे हर आइटम मिलेगी। गॉसिप द कैफे लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर। हर मंगलवार एक पिज्जे के साथ पाए एक पिज्जा फ्री, वाई वन गेट वन फ्री। अगर ऑफर है इतनी आकर्षक तो देरी किस बात की, अभी करें ऑर्डर। गॉसिप द कैफे, अजा मार्केट, नंगल।